सेंट डेक्वेट्स 27 मई 2021, व्हाट आर द पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ रॉबर्स वर्किंग इन इंटीरियर सिंध? गिव एट लीस्ट टू विद टू एग्जांपल्स. अच्छा, पॉलिटिकल रीजंस हैं इंटीरियर सिंध में जो डाकुओं का राज रहा है, और ये काफ़ी अरसे से है, ऐसा नहीं है कि आज का है, ये काफ़ी अरसे से डाकुओं का राज वहाँ पे. एक तो इंटीरियर सिंध में हमारा जो सिंध है दरियाए सिंध, और दरियाए सिंध के अंदर जब सारे रिवर्स मिल जाते हैं, बाकी 5 रिवर्स भी इसमें मिल जाते हैं, बहुत बड़ा रिवर बन जाता है, तो उसके किनारों के ऊपर बड़े घने जंगल हैं जिनको बेला फॉरेस्ट्स भी बोलती हैं, या फिर उनको रिवराइन भी बोलती हैं. रिवराइन रिवर के किनारे के ऊपर मौजूद जंगल, और वो पानी की वजह से, और पानी जब फ्लड बन के छाल के साथ इधर उधर बिखरता है तो अपने साथ एलुवियम भी वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, तो उससे सेंचुरीज में घने जंगल पैदा हुए हैं. तो वो जो घने जंगल हैं वो पनाहगाह इस वक्त बनी हुई है लॉलेस बैंड्स की, डाकुओं की, बड़े बड़े किडनैपर्स, ब्लैकमेलर्स और एक्सटॉशनिस्ट्स वो वहाँ पे जाके शेल्टर लेते हैं. तो वो उस अब पाकिस्तान की पुअर गवर्नेंस एक बड़ी रीज़न है, पुअर गवर्नेंस और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है नाअहल ब्यूरोक्रेसी, उसकी वजह से ये डाकू बार बार पनपते हैं. लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं. बार बार जो एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है या एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस इन डाकुओं को सपोर्ट करती रहती हैं, और इनके पीछे पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिशियंस की सपोर्ट भी मौजूद रहती है, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल कवर मिल जाता है, ताकि इंटीरियर सिंध में जो पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है उसको गिराया जा सके. जनरल ज़ियाउल्लाह ने भी इन डाकुओं से नज़रें हटाए रखी और इनको वहाँ पे काम करने दिया इंटीरियर सिंध में, क्योंकि वो समझते थे कि इसके साथ लॉलेसनेस इंटीरियर सिंध में बढ़ेगी और पीपल्स पार्टी की ख़त्म होगी ताकत. तो एक तो रीज़न ये है. और उसके बाद फिर 1990s में भी जो एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस हैं ख़ास तौर पर सिंध में, उनकी भी सपोर्ट हासिल रही. इवन के पिछले सालों में SSP जो के शिकारपुर के वहाँ पे थे, और वहाँ पे भी बहुत सारे जंगल हैं, उन्होंने रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस का नाम लिया जिसमें इन डाकुओं की सपोर्ट भी शामिल थी. तो आप इस तरीके से दो रीजंस लिख सकते हो, यानी कि एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द बेस, वोट बेस ऑफ पीपल्स पार्टी इन सिंध, तो देयर वाज अ पॉलिटिकल कवर टू इट. और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस हैं, उनके पीछे भी इन डाकुओं की सपोर्ट, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, हासिल है, ताकि उनको भी पॉलिटिकल कवर मिलता रहे. जनरल ज़ियाउल्लाह की मिसाल दे सकते हैं, उसके बाद जनरल ज़ियाउल्लाह के बाद आने वाले वहाँ पर सिंध के अंदर एंटी पीपल्स पार्टी की मिसालें दे सकते हैं. आगे देखें जी, एडिटोरियल एसेट्स अनफ्रोजन. अभी गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स थे, PIA के कुछ होटल्स थे, उनको कब्ज़े में ले लिया था, या उनके खिलाफ एक पटिशन आई थी और उनको कहा गया था कि टेडियान कॉपर कंपनी का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और $6 बिलियन पीस को पे जब तक गवर्नमेंट नहीं करती है, ये एसेट्स PIA के उनके पास रहेंगे. उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के हक में फैसला हो चुका है. अब इसको तो छोड़ दें, अब टेडियान कॉपर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसल्ड है पाकिस्तान यूनिलैटरली. टेडियान कॉपर कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी और 2-3 मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज का एक कंसोर्शियम था. इन्होंने क्या किया हुआ था, पाकिस्तान में जो कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स थे रिकोडिक के मुकाम पर, रिकोडिक बलोचिस्तान में चागई के मुकाम पे बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, उस पर ठेका स्टेट के साथ किया था. स्टेट उसको यूनिलेटरली ख़त्म नहीं कर सकती थी, मगर उसके खिलाफ रिट दायर हुए 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे चौधरी, क्या नाम था वो, बड़ा मशहूर थे जो मेरे जिन से निकल रहा है,
तो उनको उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि और गवर्नमेंट जो थी, जो स्टेट जो है, इस तरीके से यूनिलेटरली उसको ख़त्म नहीं कर सकती थी। टेडयान इंटरनेशनल ने ये दावा किया कि मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिकोटिक के मुकाम के ऊपर लग गई थी और मैं इसके खिलाफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल्स में जाऊंगी। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में एक सेंटर है, सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी जहां पर भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हों उसको आप सेटल करने के लिए कुछ आपके पास सेंटर होता है, यानी कि कोर्ट सी है जो आर्बिट्रेरी आपका फैसला करती है। तो वहां पे टिडियान इंटरनेशनल चली गई और पाकिस्तान को $6 बिलियन की पेनल्टी पड़ गई। अरे जो $6 बिलियन हैं ये बहुत बड़ी रकम है। तो यहाँ पे आपने व्हाट आर दी मेजर रीजंस फॉर पुअर इमेज एज एन इन्वेस्टमेंट हब, जो हमने कैंसिल किया, और उसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं हमारी कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, या इन्वेस्टमेंट के ना होने की कुछ रीजंस हैं जो ब्यूरोक्रेटिक रीजंस हैं, जो गवर्नेंस की रीजंस हैं, उसमें मुझे कुछ चार रीजंस लिख के दिखाएं ताकि मैं आपको मार्क्स दे सकूं। आपने एडिटोरियल पढ़ा होगा, आपके अपना भी जनरल नॉलेज है आपके पास, तो उन नॉलेज से या फिर आपने जो एडिटोरियल पढ़ा उसमें से लिख के दिखाएं कितना है। उनमें से चार पांच आप रीजन जरा लिख के दिखाएं।